बहुत ही अच्छा एक गुड न्यूज है जो एडसेंस की तरफ से आपको, अगर अगर आप ब्लॉगर में हो या वर्डप्रेस में हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कोई कौन सी पेज में सेपरेट लगाना चाहते हो और अगर कौन सी पेज में अपर में लोअर में, मतलब पूरी एड सेटिंग अभी आप एडसेंस अकाउंट से कर सकते। क्या होता था पहले, अगर आपने कोई वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाया तो उसके लिए एड आपको सेटिंग करना है तो एक एड इंसर्टर लॉगिन आता है कि माध्यम से आपको करना पड़ता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब एडसेंस से सेटिंग कर। ऑटो एड में जैसे आप ऑटो एड लगाते थे तो ऑटो एड में ऐसे प्रॉब्लम होता था, ऑटो एड में आपको एड इतना बुरी तरीके से आता था जो आपकी साइट का पूरा जो डिजाइन बिगाड़ देता था। तो एडसेंस ने पता नहीं बहुत ही अच्छा अपडेट किया। अगर आप कोई एडसेंस एड इंसर्टर लॉगिन यूज कर रहे हो उसकी वजह से बहुत सारी एरर भी आता है तो उसको हटा दो। अभी जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ एडसेंस की, मतलब अकाउंट में जाके आपको जो ऑटो एड ऑन करने के बाद कोई सारे सेटिंग दिखाई देगा, तो इसमें कैसे सेटिंग करना है, कौन पेज में सेटिंग करना है बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर लाइक करना और शेयर करना। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ऑटो ऐड यूज करोगे, जैसे मेरा एक साइड में ऑटो ऐड ऑन है और एक में ऑफ है, मैं इसमें एक ऐड इंसर्टर का प्लगइन लगा, पेड प्लगइन है, तो बहुत बंदा जो ब्लॉगर है उसके लिए ऑटो ऐड लगाने उसकी जो बाउंस रेट है वो तो बिगड़ ही जाता है। दूसरी बात, आपको जैसे बिगड़ जाता है तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एडसेंस की तरफ से देखो, एक ऐड सेटिंग प्रीव्यू करके पूरा एक सेटअप देता है, आपको ऑटो एड ऑन करना है, उसके बाद आपको ओवरले फॉर्मेट, इमपेज फॉर्मेट, इंक्लूडेड एरियाज और इंक्लूडेड पेज पूरी बता दिया। इसमें आप जैसे प्लगइन का काम है ना, उसी हिसाब से आपको काम कर सकते हो। जैसे ये वेबसाइट है मेरा, तो इसमें एक ऊपर वाला ऐड आ रहा है और इसमें जो दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक ऐड, दो ऐड, इसमें दो ऐड आ रहा है। ठीक, इसकी जो रिसेंट पुट का, इसमें जस्ट साइड बार है, साइड बार का जस्ट नीचे एक ऐड आ रहा है और इसमें जो फीचर कैटेगरी के छोटा एक ऐड आ रहा है, तो इसको आप पूरा चेंज कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आपको जाना है, जैसे आपको ओवर फॉर्मेट की बात बता, तीन लेयर है, एंकर एड्स दैट एड स्टिक्स ऑन टॉप ऑन अ बटन इन स्पेस। देखो ये जो ऐड आ रहा है इसकी ऑफ ऑन कर सकते हो, अगर आपकी साइट का प्रॉब्लम, साइट का डिजाइन चेंज कर बिगड़ रहा है तो। साइड रेल ऐड जो आपकी वेबसाइट का साइड में आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं साइट को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये साइड है, इसमें ऐड देखो, ये वेबसाइट है, देखो ये ऐड तो यह आ जाएगा, इस ऐड को बिगड़ रहा है, इसकी ऐड के ऊपर ऐड आ गया है इसमें, उसके बाद ठीक नीचे और एक ऐड आएगा, देखो ये बगल में ऐड आएगा, ऐड आ रहा है, तो उसमें अगर नीचे चलो तो देखो बीच में एक आ रही है, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन देखो नीचे एक साइड बार में ऐड दिखा रहा है, मतलब पूरा साइट, मतलब आप सोच रहे हो ना पूरी साइट की, मतलब तो इसको भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, साइड वाला ऐड को आप हटा सकते हो। उसके बाद बिगनेट और जो ऐड द फुल स्क्रीन ऐड अपीयर इन बिटवीन ऑन द पोस्ट लोड, इसको तो ऑफ ही करना बेटर होता है। ठीक है, अभी वाले फॉर्मेट में तीन फॉर्मेट आपको ऑन ऑफ रहता है। अभी इंक्लूडेड पेज भी कर सकते हो, जैसे मैंने इंक्लूडेड पेज किया, इसमें ऐड सेक्शन में गया, आपकी जो आपकी वेबसाइट है तो दिस पेज में जो पेज आपको, जिस पेज के बारे में आप दिख रहे हो, जैसे आपको कोई स्पेशल पेज बना रहे हो, जैसे पेज तो अगर ब्लॉगर में तो अलग अलग बना सकते हैं, जैसे न्यूज वेबसाइट में भी बना सकते हैं, तो इसमें दिस पेज ओनली है, तो इसमें इसको दिस पेज में बन सकते हो, और ऑल पेज सेक्शन में करो तो ऑल पेज में अलाउड हो जाएगा। आई समझ में, अगर आप पेज स्पेशली, आप पेज अलग से जो पेज में आप स्पेशली दिखाना चाहो उसको ऐड करना तो ऐड हो जाएगा। मैं अभी सेटअप नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपके आता है इनपेज फॉर्मेट, देखो इनपेज में बैनर एड आता है, बैनर एड था ठीक है, एड अपीयर ऑन द बिटवीन द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। तो मैंने अगर इसमें बैनर एड है और मल्टीपल एड, इसमें चार एड आता है, ये छोटा टाइप का स्टिकी एड टाइप का आता है, तो मैं इंक्लूड एरिया करूंगा, इसमें एरिया नहीं बताया, तो मैं इसको थोड़ा बैक जाता हूँ, मैं दोबारा इसमें चलते हैं, इंक्लूडिंग एरिया फॉर्मेट, अच्छा इंक्लूडिंग पेज, इसमें भी सेम टू सेम केस है, दिस पेज में चाहिए या अंडर द ऑल पेज सेक्शन चाहिए। ठीक है, ये भी आपको यह फॉर्मेट में आ जाता है। उसके बाद देखो इसमें जाता, इसमें अभी तक कुछ किया नहीं, इसमें ऐड सेक्शन में दे रखा है। तो ये तीन तरीके से, पांच तरीके से ऐड आप सेट कर सकते हो। एक ये सिस्टम मेरे को सही लगा, जो ब्लॉगर है उसके लिए बहुत ही एक खराब सिस्टम था, जो ब्लॉगर में ब्लॉगस्पॉट में ब्लॉगिंग करता है, मैं मानता हूँ वो बहुत ही परेशान चलता था जो ऑटो ऐड लगा देता। अभी वो अपने साइट के हिसाब से ऐड को सेट कर पाएगा, जैसे मैंने इसको ओके किया, ऑन ऑफ कर सकते हो, ये साइट वाला ऐड आपका नहीं दिखेगा, उसके बाद ये एंकर ऐड आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो। उसके बाद देखो ओवरले ऐड टर्न, इसके अंदर टर्न ऑफ एंकर ऐड बिटवीन द स्क्रीन, तो टर्न ऑफ एंकर ऐड स्क्रीन वाइडर, इतना टर्न ऑफ इंडिकेट ऐड, तो इसमें सब कुछ दे रखा है। अब डेस्कटॉप में अगर आप चाहे तो जो
एंकर ऐड है तो वो ऐड ना आए, मतलब जो एक बड़ा सा ऐड आता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बड़ा सा ऐड आता है ना, इससे बड़ा सा ऐड आता है, ये अगर मोबाइल में आ जाए ना तो मोबाइल का जो स्क्रीन पूरा बिगड़ देता है बंदे का, ये जो बड़ा एक इतने से ऊपर यहाँ तक जो ऐड आ रहा है, तो ऑटो ऐड की वजह से आता है। इसको आप पूरा फॉर्मेट चेंज कर सकते हो और मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप इसमें एक एक काम करना, जैसे आप ऐड सेट करोगे ना तो हर चीज, जैसे मोबाइल में आप डेस्कटॉप में, मैं यहाँ दो मॉडल दिखा रहा है, देखो ये डेस्कटॉप मॉडल दिखा रहा है, ठीक कोने में इसको मोबाइल दिखा रहा है, तो अब आपके हिसाब से आप एक तो एक ऑन ऑफ करके धीरे धीरे चेक करके आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जस्ट इसको लॉन्च किया मार्च का 15 तारीख को, तो मेरे को शायद ये और भी इसकी लेआउट आएगा और भी व्यू, मतलब इसकी जो अपडेट आएगा इसमें और भी बढ़िया करके, जब स्टार्ट किया मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो ब्लॉगर के लिए सबसे बेस्ट हुआ और जो वर्डप्रेस में जो एड इंसर्टर आता था उसके लिए भी बेस्ट हुआ। देखो ये फॉर्मेट में, जैसे आप फॉर्मेट मांगो, देखो एक स्टिकी एड यहाँ आता है जो जैसे मोबाइल में ओपन करते आता है, ये नीचे से आता है, ठीक है। ये सारे एड फॉर्मेट आप इसको पढ़ सकते हो, आराम से सेटिंग कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मली बता दिया, इसको डरने वाला कोई बात नहीं है, अगर गलती से भी उल्टा पलटा भी सेट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सोचो मैं सेट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यही था वीडियो जो आप लोगों को बताया, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।